हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्षित वाधवा। और यार, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और फर्स्ट व्लॉग में ही हम जा रहे हैं मनाली। सो यार, ये एक सीन है, एक व्यू है जो होटल से, मतलब होटल नहीं है, कैफ़े था। कैफ़े पे एक बस रुकी थी हमारी। सो यार, वहाँ से मैंने व्यू शूट किया था। तो यार, मनाली जाने के ऐसे ऐसे व्यूज़ और आगे आ रहे हैं। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो क्या हाल चाल है दोस्तों। यार, अभी हम आ गए हैं मनाली की मॉल रोड पे। और यार, मनाली की मॉल रोड इज़ वेरी गुड, बट यार हमारा कुछ फीडबैक इसको लेके अच्छा नहीं है, तो अभी आगे हम बताएंगे। बट यार, भीड़ देखो यार, कोरोना के टाइम पे मतलब यू कैन नॉट से कि यहाँ कुछ है। यहाँ तो लोग नॉर्मल घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली मॉल रोड पे मनाली के। सो यार, मैं शूट नहीं कर पाया वो चीज़ यार, जब हम होटल गए, हमने होटल हायर किया। वैसे मैं बता देता हूँ, मंगोलिया होटल नियर मॉल रोड हमने हायर किया था। और यार ये देखो यार, ये पान, ओए होए यार, ये पान बहुत टेस्टी थे। और ये साथ में ना छोटे छोटे गुलाब जामुन बेच रहा है लड़का,
आई थिंक 20 रुपीज़ के 4 पीस थे या 10 रुपीज़ के 4 पीस था, आई डोंट नो। और इसी बीच माता के दर्शन कर लो यार, तुमने भी करा दिया मैंने। हाँ तो यार मैं उस चीज़ को शूट नहीं कर पाया जब मैं होटल ले रहा था। हमें 800 रुपये में रूम मिल गया था, मंगोलिया होटल नियर मॉल रोड। ओके ओके टाइप सर्विस थी यार, दो लड़के थे, दो लड़के तुम्हें पता है गुजारा कर ही लेते हैं जैसे तैसे, सो कोई बड़ी इशू की बात नहीं है। तो यार ये मॉल रोड देखो, इन्जॉय करो इसको, और यार मनाली फीडबैक आप अपने कमेंट्स में मुझे शेयर करना कि आपका फीडबैक कैसा था। ओहो यार वैसे हमारा तो अच्छा नहीं था, लेकिन शायद इनका बहुत अच्छा है। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, अरे अरे ओ भिड़ गए, अरे अरे रुको। तो यार अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करें, कुछ चीज़ें हों मनाली से रिलेटेड जो आप हैं हमें बताइए। तो यार मनाली की माल रोड जो है वो डन हो चुकी है, और एज कम्पेयर टू दी शिमला माल रोड, ये माल रोड बहुत छोटी है। इस भाई को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना इसको यहाँ का खाना पसंद आया। कैसा कैसा लगा यार बताओ, आप पे फोकस है। मतलब अगर आप शिमला जा रहे हो तो शिमला की जो माल रोड है ना, अगर वो 100 है तो ये माल रोड आपको बस 30 मिलेगी। मतलब इस माल रोड पे ना खाना अच्छा है और ना साफ़ सुथरी है, लेकिन शिमला के माल रोड जरूर जाइए और फिर आप खुद कंपेयर करना, आपको फ़र्क पता चलेगा कौन से माल रोड में क्या चीज़ें अच्छी है। तो यार अब हमें तो मज़ा मनाली के अंदर आया नहीं अभी तक, बाकी कल यार सोलोंग जाएंगे उसका व्लॉग मैं लेके आऊँगा अगले पार्ट के अंदर। सो यार गाइस अपडेट रहना, और अभी चलते हैं होटल। रोड पे आना जरूर एक बार यहाँ के लिए, मतलब एक्सपीरियंस तो करना ही है। लेकिन यार मास्क जरूर लगा लेना जो भी कोरोना के टाइम पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ चालान वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं वीडियोज़ भी शूट नहीं कर पाया बिकॉज पुलिस वाले मेरे ऊपर आगे खड़े थे। सो यार मिलते हैं अभी होटल के अंदर। सो गाइस इट्स टाइम टू एंड अ व्लॉग, और अभी यार यहाँ से हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अपने बस की कुछ भी नहीं है, 16 घंटे की ट्रैवलिंग हुई है और यहाँ पे आए हैं जाम जूम में फंस गए, और एक्सपेक्टेशंस इतनी लेके आए थे और बची हमारे पास ये एकदम बेकार मॉल रोड। यार हमें तो लगी यार पता नहीं लोगों को मनाली पसंद कैसे आता है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मनाली एज अ पर्सन पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी ये रिव्यू दे देगा एक बार, बता भाई तेरे को कैसा लगा मनाली। भाई देखो हम गए थे शिमला पिछले साल, भाई देखो शिमला गए थे पिछले साल, भाई वहाँ का जो माल रोड है ना, वैसे उस माल रोड का 10% माल रोड भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर माल रोड बड़ा खस्सी माल रोड है यहाँ पर। यहाँ पर माल रोड में भाई पुरानी पुरानी दुकानें हैं, और यहाँ पे भाई इतना महंगा सामान मिलता है और दिखने में भी अच्छा नहीं है यहाँ का माल रोड। अगर आओगे पर एक्सपीरियंस जरूर लेना माल रोड, एक्सपीरियंस अच्छा लेना यार, देख लेना माल रोड। देखो यार ये हमारा रिव्यू है, हम किसी को नेगेटिव नहीं कह रहे, मनाली से गुड थिंग, आओ और एंजॉय करो। कल के लिए हमारी बाइक्स बुक हो चुकी है, स्पीटी वैली जा रहे हैं। स्पीटी वैली कहाँ जा रहे हैं हम? सोलांग। हम सोलांग पास जा रहे हैं, सोलांग के बाद भाई हम अटल टनल वगैरह जाएंगे, लोकल या डिम्बा टेम्पल वगैरह घूमेंगे। इसको बाइक नहीं आती, इसको पीछे बिठाना पड़ेगा और इसकी जान की जिम्मेदारी मेरे सर होगी। तो अपनी 6-7 साल का एक्सपीरियंस जितना ही बाइकिंग है मुझे कल लगाना पड़ेगा यार। बाकी यार सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आज तक की वीडियो के लिए यही। एक चीज़ और बताया था, अभी हम बॉनफायर के लिए यार कुछ बातें करी है, सो बॉनफायर करेंगे और इसी वीडियो के अंदर आपको यार क्लिप्स वगैरह आप सारी मिल जाएंगी बॉनफायर से रिलेटेड। वैसे बॉनफायर करना इस होटल में अलाउड नहीं है, हमने जुगाड़ करा है लड़के को 50 रुपये पकड़ा के, आप कर सकते हो। वो हमने 50 रुपये पकड़ाया ना, तो हमने 50 रुपये, वो हमने 50 रुपये पकड़ा के, साथ वाले जो होटल में लड़का है वो कह रहा है सफाई मैं कर दूंगा, मुझे पैसे दे देना, सफाई के पैसे अलग ले ले, तूने परमिशन के पैसे दिए उसके 50 रुपये हमने उसको दे दिए। तो यार और अगर कुछ और कुछ करने की सोच रहे तो यार यहाँ पे इजीली है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, किसी भी तरीके कोई भी चीज़ सही हो सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे। पुलिस वाले रात को 9 बजे तक सारी की सारी शॉप्स क्लोज करवा देते हैं, संडे को मनाली कोरोना के लिए बंद है, बट आउटर में जितना भी इंटरनली घूमने के लिए है वो सब कुछ खुला रहेगा, बट यहाँ की शॉप्स वगैरह क्लोज रहेंगी। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये कुछ कहना चाहता तो मैं इसका एक बार आपको रिव्यू बता देता हूँ, बट ये बंदा बहुत ज्यादा मनाली में आके नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना मेरे सर के भी ऊपर यहाँ से थी। नहीं देखो एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई थी एक्चुअली, हम सोच रहे थे कि बर्फ बर्फ दिखेगी हमें, जो कि हुआ नहीं है, बट लेकिन ऑल इन ऑल नॉट दैट बैड एक्सपीरियंस। आप आओगे तो ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाओगे, आप कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा ही, लेकिन एक ना एक बार आना जरूर। चलो यार आज के लिए इतना ही, बाकी दोबारा से मैं बोलूँगा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सकता है ब्लॉग अच्छा नहीं है, पहला ब्लॉग है यार तुम्हारे भाई का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप थक आज बहुत गए थे, रूम की हालत मैं अगर आपको दिखा दूंगा ना यहाँ पे, ये देखो, मतलब ये तू के बीच में आ रहा है ब्रो। बिल्कुल यार मतलब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल जो सिस्टम इतना बेकार हो गया, हमने रूम को संभाला तक भी नहीं है और इसने खुद को भी नहीं संभाला, ठीक है। तो यार बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पार्ट टू कल आपके लिए बिल्कुल आ रहा है, सोलंग वैली और साथ में अटल टनल कल का पक्का है। सो यार स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से बोल रहा हूँ भाई को सपोर्ट करना, पहला व्लॉग है भाई का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।